हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ यास्मीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बटर गार्लिक चिकन की बहुत ही ज़्यादा क्विक और टेस्टी रेसिपी है, जिसे बनाने में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेगी। बिल्कुल कम मसालों में हम इसे बनाने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ली हूँ। ये 250 ग्राम के बराबर चिकन है, जिसे मैंने छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट ली हूँ। सबसे पहले यहाँ हमें चिकन को मैरिनेट करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैरिनेशन है। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद इसमें काली हुई मिर्ची का पाउडर जाएगा। अगर कुटी हुई काली मिर्ची है तो वो ऐड कर दो, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड की हूँ। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड की हूँ। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें। इससे जो चिकन है हमारा अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा और चिकन का फ्लेवर अच्छे से निकल के आएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए चिकन स्टॉक बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा बोन वाला चिकन ले लियो, हड्डी वाला। अब हम यहाँ एक पैन ले लेंगे। जो चिकन है हमने पैन में ऐड कर दिया है और इसमें मैंने एक गिलास के बराबर पानी ऐड की हूँ। आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड करना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेना है। उसके बाद जो स्टॉक है वो अलग कर लेंगे और चिकन अलग कर लेंगे, तो ये हमारा स्टॉक रेडी हो जाएगा। हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा मैदा ले ली हूँ। चिकन के जो हमारे पीसेस है वो मैदे में इस तरीके से कोट करते जाएंगे। हल्का हल्का कोटिंग हमें करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस तरीके से। और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसी में झटकते जाएंगे। ये चिकन हमारा अच्छे से मैदे में कोट हो चुका है। अब इसे हमें फ्राई करना है, जिसके लिए मैंने ऑयल को पहले से गर्म कर ली हूँ। सभी चिकन के पीसेस एक एक करके इसमें हम ऐड कर देंगे। इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। दोनों साइड से हम 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पे चिकन के जो पीसेस हैं हमने छोटी साइज़ के लिए, तो यहाँ पे हमको चिकन के पीस बस छोटे साइज़ के यूज़ करना है, बड़ी साइज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ हमारे चिकन को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो चिकन के जो पीसेस है वो काफ़ी बड़े भी हो गए, थोड़े थोड़े फूल चुके हैं। अब इनकी साइडें हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से चिकन फ्राई करने से जो चिकन हमारा है वो जूसी और सॉफ्ट बन के रेडी होता है। अगर आपने इसे ओवर कुक कर लिया तो इसका जो सॉफ्टनेस है वो चली जाएगी और ये बिल्कुल खाने में रूखा रूखा सा लगेगा। यहाँ हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस तरीके से इसका तेल निथारते हुए हम निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी इसमें ऐड कर देंगे और उसी तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पे इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, उसे मैंने साइड में रख दिया और वापस मैंने वही पैन ले लूँ। इसमें अब हमें बटर ऐड करना है। यहाँ मेरे पास क्यूब वाले बटर है, तो मैंने 2.5 क्यूब बटर ऐड की हूँ। क्योंकि ये बटर गार्लिक चिकन है तो इसमें बटर और गार्लिक दोनों ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड हो गए। यहाँ मैंने इसमें 8 से 10 कलियाँ गार्लिक की कट की थी, लहसुन की, जिसे मैंने बारीक बारीक कट करके इस तरीके से ऐड की हूँ। बटर को हमें मेल्ट नहीं करना है, बटर मेल्ट होने के पहले ही हमें तुरंत ही गार्लिक इसमें ऐड करना है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, जब तक कि हमारा जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। यहाँ गार्लिक को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और जो बटर है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड की, ये ऑप्शनल है, ये इसमें ऐड नहीं किया जाता, लेकिन हम थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं इसलिए मैंने ऐड की हूँ। अगर आप चाहे तो ऐड करें, वरना आप टोटली स्किप कर सकते हो। उसे भी हम अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ऐसे भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें हमें थोड़ा सा मैदा ऐड करना है, बिल्कुल 1/4 चम्मच के बराबर, और इसे भी लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। आप इसे इस तरीके से भूनोगे तो मैदे और गार्लिक की इतनी अच्छी खुशबू चलती है। और यह हमारा मैदा अच्छे से भून चुका है। जो हमने चिकन स्टॉक बना के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम अब हमें हाई कर देना है, ताकि जो हमारा स्टॉक हमने ऐड किया उसे अच्छे से बॉईल आ जाए फटाफट से। और आप देख सकते हो ये हमारे स्टॉक को अच्छा सा बॉईल भी आ चुका है। इसे 1 मिनट इस तरीके से बॉईल करने के बाद जो हमने चिकन फ्राई करके रखा है चिकन ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर ऐड करना है और आधा छोटा चम्मच इसमें ऑरिगेनो ऐड करना है। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। ऑरिगेनो ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम कुक कर लेंगे। हमारे चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप इसे एज ए स्टार्टर सर्व करना चाहते हैं तो जो भी ये सॉसेस दिख रहे हैं तो आप इसे पूरी तरह से ड्राई कर लें, हल्का हल्का सा लुतपुता रखें। और अगर आप इसे पराठों के साथ खाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप रख के गैस का फ्लेम बंद कर सकते हो। यह हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसे यहाँ मैं टेस्ट कर रही थी, इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल लग रहा था, कोई भी चीज़ की इसमें कमी नहीं लग रही थी, जबकि हमने इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन का जूस ऐड किया,
फिनिशिंग के लिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया बारीक बारीक कट करके ऐड कर दी हूँ, जिससे वाइट पे ग्रीन ग्रीन हरा धनिया और ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। और इसे हाई फ्लेम पे मैं एक मिनट के लिए और पका लूँगी ताकि जो स्ट्रॉ के थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। और आप देख सकते हो कॉफ़ी ड्राई हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखा आपने कितनी आसानी से और कितना फटाफट से हमने बटर गार्लिक चिकन बना के रेडी कर लिया है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाते, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट इसका आता है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।